गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्ग जिले के प्रभावित किसानों की भूमि में गैस कंपनी द्वारा जबरिया अधिग्रहण कर जमीन पर बिना किसान की अनुमति से गैस पाइपलाइन बिछाई जाने से किसान परेशान हैं। किसानों ने अपनी फरियाद लेकर सभी जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। बावजूद इसके गैस कंपनी द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर किसानों के खेतों में पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, इसे लेकर ग्रामवासियों और किसानों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। किसान अपनी जमीन वापस लेने सरकार से फरियाद लगा रहे हैं। इस संबंध में मीडिया के समक्ष शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। टोटल 21 गांव से ये गैस पाइपलाइन जा रहा है गेल इंडिया का, और ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। कंपनी वाले बिना बताए, बिना कुछ सूचना दिए, बिना मुआवजा दिए इस गाँव में काम चालू कर दिए हैं। कुछ कुछ गाँव बीच में बचा हुआ है, जिसमें हमारे गांव बड़े गांव बाकी है, बाकी जगह काम शुरू कर दिए। हम लोग प्रशासन के पास 3 बार गए हैं, कलेक्टर के पास 3 बार ज्ञापन सौंपे हैं, उसमें अभी तक उन लोगों ने सही तरीके से कोई हम लोग का सहयोग नहीं किया, और उन लोग का भी जिला प्रशासन का भी तानाशाही रवैया है। और हम लोग चाहते हैं ये जो गैस पाइपलाइन गया है हमारे गाँव से बाहर जाए, वहाँ काफ़ी शासकीय ज़मीन है, और जैसे घुमा के ले जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन वाले आए थे, उन लोग बोले थे कि पाइप को सीधा ले जाना है, लेकिन जो हम लोग के जो खेत या रास्ते से ले जा रहे हैं वो तोड़ मरोड़ के ले जा रहे हैं। तो हम लोग का कहना है सीधा ले जाइए, जहां शासकीय ज़मीन भी है उनको मुआवजा भी नहीं देना नहीं पड़ेगा। उन लोग को इग्नोर कर रहे हैं, और हम लोग रायपुर भी गए थे इसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए, जिस समय हमको नोटिस मिला था ऑब्जेक्शन किए थे, धमधा भी गए थे, और 3 बार अभी कलेक्टर के पास जा चुके हैं, और इन लोग हम लोग के ऑब्जेक्शन को, आपत्ति को सिरे से नकार दिए गए हैं। आगे हम लोग को जमीन तो देना नहीं है, है ना, जो भी होगा देखेंगे। जैसा अब प्रशासन हम लोग की बात ही नहीं सुनता है, एक बार वो SDM साहब बुलाए थे, वहाँ तनातनी हुई, वो बहस हुआ, उसके बाद फिर हम लोग शांति से बैठे, उनसे बात किए, बोले कि स्थल निरीक्षण करेंगे, जो आपका ऑप्शन बता रहे हैं उसको हम लोग देखने आएंगे। नहीं है, नहीं आए थे। जब हम लोग धरने पर ननकट्ठी पे बैठे तब वो ननकट्ठी पे आए, वो और हम लोग को बिना ज्ञापन लिए चले गए, वहाँ भी ढंग से बात नहीं कर पाए। हमारे गांव में गैस पाइप का हो रहा है, इसका विरोध है हम लोग को। हम लोग को जब नोटिस मिला, फर्स्ट नोटिस, तो हम लोग को धमधा बुलाए थे, जबकि हमारे यहाँ धमधा नहीं पड़ता। आपत्ति लगाने के लिए धमधा बुलाए थे, जबकि हमारा दुर्ग है, तो इसका वजह क्या है धमधा बुलाने का? और हम लोग जो ज़मीन है बस्ती के पास है, हम लोग मकान बनाने के लिए रखे हैं, उसमें गैस का पाइप बिछाने जा रहा है, इसलिए हमको विरोध है। हम घर बनाना चाहते हैं, हम लोग 2 भाई हैं। हम लोग कलेक्टर को, SDM को, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। हीराबिया का जो खेत है ना फ्रंट रोड से, वहाँ से गैस पाइप आ रहा है और ये बस्ती से होके जा रहा है, तो इसके लिए विरोध किए थे। 2-3 बार जाके हम लोग दुर्ग में और भियालोंग गए थे, वहाँ धमधा, तो धमधा में भी विरोध किए थे, और उसी का गेल पाइप का मतलब खुद का तहसीलदार बन जाते हैं, खुद का SDM बन जाते हैं, तो ये सब के लिए विरोध कर रहे थे कि कम से कम हमारे जिला का तहसीलदार रहे, SDM सर रहे, तो उसी का, हाँ, किसानों के बीच बात करे। तो सबसे पहली फर्स्ट बात तो ये है कि ये बस्ती से होकर नहीं जाना चाहिए, ये किसानों का कहना था, इसके लिए विरोध कर रहे थे सब कोई। अब मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग सब किसान जाके तो विरोध किए हैं, लेकिन ये गैस पाइप तो बस्ती से होकर नहीं जाना चाहिए। हम लोग बोले थे कि हाईवे रोड से लिया ले, क्योंकि ये बस्ती से होकर जाना बहुत खतरे की बात है, कि भविष्य में पेड़ नहीं लगाना है, बोर नहीं होना है, मकान नहीं बनाना है। अगर भविष्य में, तो जैसे अपन गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें रिपेयरिंग का काम तो आता ही है, तो वैसे अगर गैस लगा, अगर गैस में भी लीकेज मारेगा, या अपन खेती कर रहे हैं तो उस समय अगर फसल लगा हुआ है, अब उसको रिपेयरिंग के लिए बोलेंगे तो हमारा फसल तो नुकसान होगा, बार बार तो फसल का नुकसान का पैसा हम लोग देंगे नहीं, या गवर्नमेंट भी बार बार नहीं आएगी, एक बार लग गया जो लग गया। तो इसीलिए इस चीज़ का विरोध कर रहे थे हम लोग कि पाइपलाइन नहीं लगना। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।